हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पूरे दोस्तों 15 दिन यूज करने के बाद लिव 52 के कैसे रिजल्ट रहते हैं, क्या इससे भूख बढ़ती है, वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लीवर ठीक होगा कि नहीं होगा, और कितनी कारगर है लीवर के लिए, खाना आप ज़्यादा खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कंप्लीट जाने। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। फ्रेंड्स दोस्तों, ये जो लिव 52 है मार्केट में इजीली आपको आसानी से मिल जाएगी। 100 टैबलेट आती हैं दोस्तों और 130 रुपये के आसपास का प्राइजिंग रहता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हैं कुछ डिस्काउंट के साथ। ये टेबलेट दोस्तों काफ़ी कारगर मानी जाती है लीवर के लिए, और एक लिव 52DS टेबलेट भी आती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल रहती है और उसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, इसके मुकाबले वो ज़्यादा काम करती है। इसके अंदर मुख्य इंग्रेडिएंट तौर पर दोस्तों इमसरा होता है और खसनी होती है। इसके अलावा मंडूर बशम, काकामाची, अर्जुन, कसमरधा, इसके अलावा ब्रिंज सिफा और जैविका, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट थे जो कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट थे और इसके अंदर मिलाए जाते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई गई है, इसको तैयार किया गया है। बात करें दोस्तों इस टैबलेट के कलर की, तो इसका रेड कलर होता है और ये ऐसी टैबलेटें होती हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। जो दोस्तों वैसे डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर जो 18 साल से बड़े पेशेंट हैं उनको सजेस्ट करते हैं लीवर के लिए जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, इसके अलावा भूख बढ़ाने के लिए, वज़न भी ये बढ़ा देती है। तो दोस्तों इसको जो बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद एक एक टैबलेट 5 दिन, इसके बाद आप 2-2 टैबलेट भी ले सकते हैं। जो छोटे हैं 18 साल से, उनको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी डोज डॉक्टर एज के हिसाब से निर्धारित करते हैं। वैसे बात करें दोस्तों इसके बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिए हैं, साइड इफेक्ट अगर बात करें तो जिम में चलाना, इसके अलावा सिर दर्द होना, ऐसे साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी ओवर डोज लेने से या फिर कुछ अलग जैसे चटपटा तीखा खाने से आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में ही यूज